हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में आप लोगों की क्वेरीज पे बना रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है, हमारे पेट का आकार मतलब अगर थोड़ा निचले हिस्से में है या फिर गोल है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता कर पाएंगे कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। तो इस वीडियो में आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन थे उसका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी और इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि आप अपनी जिज्ञासा को बहुत ही इजीली तरीके से कम कर सकें। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है सारा एक्सपीरियंस शेयर करने में और आप लोगों की क्वेरीज पे वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनके मन में बहुत ज़्यादा ये जिज्ञासा सी होने लगती है कि आने वाले समय में बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो इस वीडियो में मैं आज यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मुझमें मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या जो लक्षण दिखे थे तो वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ताकि आप अपनी जिज्ञासा को बहुत ही इजीली तरीके से थोड़ा कम कर सकें। देखिए दोस्तों, ये भारत में बैन है इसलिए आप मेडिकल हेल्प नहीं ले सकती और अल्ट्रासाउंड के जरिए से भी ये पता नहीं कर सकती कि गर्ल है या फिर बॉय है। तो ऐसा करने की आप बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि अगर आप अपनी जिज्ञासा को कम करना चाहती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होता क्या है दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको शुरुआती महीनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके मूड पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो रहा है, आपको पहले गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था और बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो रहा है आपके मूड पर, गुस्सा आ रहा है आपको, कोई अगर कुछ कह देता है तो आपको ज़रा ज़रा सी बात पर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो ये होता है बेबी बॉय होने का लक्षण। मतलब बेबी बॉय होने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मुझमें ऐसा दिखने लगा था, मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो ये भी एक सिम्टम है, ये भी एक हार्मोनल चेंजेस है जो मतलब बेबी बॉय के टाइम पर देखा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम सेकंड सिम्टम्स के बारे में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर यदि आपका पेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, मतलब तीसरी जो पहली हमारी जो तिमाही होती है, पहले महीने से लेकर तीसरे महीने जो होते हैं वो छोड़ के चौथे महीने से अगर आपका पेट ठंडा सा रहने लगा है तो ये भी बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं जो पूरी तरह मुझमें देखे गए थे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम थर्ड सिम्टम्स के बारे में। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको भूख बहुत कम लग रही है, मतलब आपकी भूख पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपको शुरुआती महीनों से ही अगर भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, न चटपटा न मीठा कुछ भी अगर खाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, पहली तिमाही से ही आपको ऐसा अगर दिख रहा है तो ये भी बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये चीज़ देखी भी गई है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये मुझमें 100% सही साबित हुआ। तो इससे भी आप बहुत ही इजीली तरीके से थोड़ा सेंस लगा सकती हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे आप थोड़ा सा सेंस लगा सकती हैं, लेकिन आप इस वीडियो को गलत तरीके से बिल्कुल भी मत देखिएगा। हमारा उद्देश्य बेटा बेटी में भेदभाव करना नहीं है, बस आपकी जिज्ञासा को शांत करना है। तो इससे आप थोड़ा सा सेंस लगा सकती हैं दोस्तों, लेकिन आप कभी भी 100% श्योर मत हो जाइएगा। हो सकता है आप में ये मिलते भी हो और नहीं भी, तो आप में ये गलत भी साबित हो सकते हैं और सही भी साबित हो सकते हैं। तो आप श्योर मत हो जाइएगा 100%, बस आप थोड़ा सा सेंस लगा सकती हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइस। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।